एमएस एक्सेल के आज के अध्याय में हम सीखेंगे डबल वी लुकअप फॉर्मूले का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने दो डेटा टेबल लिए हैं, एक शीट वन पर और एक शीट टू पर। शीट वन पर जो डेटा टेबल है उसमें कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें एम्प्लॉयज की आईडी, एम्प्लॉयज की नेम, एम्प्लॉयज की सैलरी और लोकेशन वाला कॉलम यहाँ पर खाली है। शीट टू पर जो डेटा टेबल है उसमें एम्प्लॉयज की नेम दिए गए हैं और एम्प्लॉयज की लोकेशन दी गई हैं। यहाँ पर जो नामों की सीरीज है वो शीट वन पर दिए गए नामों की सीरीज से थोड़ी अलग है। अब यदि हमें यहाँ पर इन एम्प्लॉयज की लोकेशन सर्च करनी हो तो हम ये वीलुकअप फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शीट्स में एम्प्लॉयज नेम दिए गए हैं। यहाँ पर भी एम्प्लॉयज नेम दिए गए हैं और यहाँ पर शीट वन पर भी एम्प्लॉयज नेम दिए गए हैं। इससे वीलुकअप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नामों की सीरीज एक जैसी है या नहीं, बस नाम सेम होने चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं वीलुकअप फॉर्मूला को, उसके बाद में हम समझेंगे डबल वीलुकअप फॉर्मूले को और ये भी बताएंगे कि डबल वीलुकअप फॉर्मूले की आवश्यकता कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो पहले देख लेते हैं वीलुकअप फॉर्मूला। इक्वल प्रेस करेंगे, वीलुकअप टाइप करेंगे, ये देखिए यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला आ गया है। डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू, क्योंकि हमें मनोज की लोकेशन सर्च करनी है तो हम मनोज वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे। टेबल अरे के लिए हम उस डेटा टेबल को सिलेक्ट कर देंगे जहां से हमें इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। तो चूंकि हमें डेटा को सर्च करना है शीट टू पर दी गई टेबल से, तो हम शीट टू पर चलेंगे और यहां पर इस डेटा टेबल को पूरा सिलेक्ट कर देंगे। यहां पर देखिए कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम उस कॉलम का नंबर देंगे जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हमें सर्च करना है क्योंकि लोकेशन को और लोकेशन है दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पर दो टाइप कर देंगे, कॉमा लगा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए मनोज की लोकेशन सर्च होकर यहाँ पर आ गई है। अब यदि हमें अन्य एम्प्लॉयज की लोकेशन भी सर्च करनी है तो उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको ड्रैग करके हम नीचे तक ले जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर उस डेटा टेबल की रेंजेस को फिक्स कर देंगे जहां से हमने इंफॉर्मेशन को सर्च किया है, तो फॉर्मूला विजिबल करने के लिए F2 प्रेस करेंगे और यहां से इन रेंज को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करके रेंज को फिक्स कर देंगे। F4 प्रेस कर दिया हमने, एंटर प्रेस करेंगे और यहां से ड्रैग करके इसको नीचे तक कर देंगे। ये देखिए अन्य एम्प्लॉयज की लोकेशन भी यहाँ पर आ गई है। अभी हमने लोकेशन को सर्च किया नेम से, क्योंकि नेम दोनों शीट्स में, शीट वन और शीट टू में, दोनों शीट्स में दिए गए हैं और सेम दिए गए हैं, बस सीरीज अलग है। अब यदि हमें लोकेशन को सर्च करना हो आईडी से, जबकि शीट टू में दिए गए डेटा टेबल में आईडी दी नहीं गई है, तो उसके लिए हम मीडियम बनाएंगे नेम को। हम आईडी से पहले पहुंचेंगे नेम तक, तो हम आईडी से पहले नेम को सर्च कर लेंगे और उसके बाद में उसको लुकअप वैल्यू बनाकर डबल वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोकेशन को सर्च करेंगे आईडी से। आइए देखते हैं कैसे। यहां से इसको डिलीट कर देते हैं लोकेशन को, अब इसकी जरूरत नहीं है। इक्वल प्रेस करेंगे, वीलुकअप टाइप करेंगे, ये देखिए वीलुकअप फॉर्मूला यहां पर आ गया है। डबल क्लिक कर देंगे इसको। पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, क्योंकि हमें लोकेशन सर्च करनी है दी गई आईडी की, तो हम ये आईडी वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए उसका सेल एड्रेस यहां पर आ गया है, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे, तो क्योंकि अभी हमें नाम सर्च करना है इसी टेबल से, तो हम इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, क्योंकि हमें एम्प्लॉय का नेम सर्च करना है आईडी से और नेम है हमारा दूसरे कॉलम में, तो यहां पर दो टाइप कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आईडी से नेम यहां पर सर्च होकर आ गया है। इसके बाद हम इसी फॉर्मूले को डबल वीलुकअप में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम दूसरी डेटा टेबल में से लोकेशन को सर्च कर पाए। तो कैसे करेंगे, F2 प्रेस करेंगे यहां पर फॉर्मूला विजिबल करने के लिए, फॉर्मूला विजिबल हो गया है और यहां पर इक्वल के आगे दूसरा वीलुकअप टाइप करेंगे।
वी लुकअप आ गया है, ये देखिए जैसे ही मैंने VL टाइप किया, डबल क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो पहला वी लुकअप है उसको हम लुकअप वैल्यू बना लेंगे, इसको हम लुकअप वैल्यू बना लेंगे, तो यहां पर कॉमा लगा देंगे। अब आ गया नेक्स्ट ऑप्शन टेबल अरे, टेबल अरे के लिए क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन सर्च करना है शीट टू पर दिए गए टेबल से, तो शीट टू पर दिए गए टेबल को हम यहां से सेलेक्ट कर देंगे और यहां अब देखेंगे कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमें लोकेशन सर्च करनी है और लोकेशन है हमारी दूसरे कॉलम में, तो यहां पर दो टाइप कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहां पर आईडी से लोकेशन सर्च होकर आ गई है, ये यहां से हम चेक कर सकते हैं 878 पर देवेंद्र है, देवेंद्र की जो लोकेशन है वो यहां से हम चेक कर लेंगे, वो देहरादून है। अब यदि आप किसी भी आईडी की लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप यहां पर सिर्फ आईडी टाइप कर देंगे, जैसे हमें देखना है 511 का, तो एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 511 पर है सोनू, और सोनू की लोकेशन यहां से हम चेक कर लेंगे, ये देखिए सोनू की लोकेशन है भोपाल। अब आप किसी भी एम्प्लॉय की आईडी के द्वारा लोकेशन को आसानी से सर्च कर सकते हैं।